कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube के पूनम ब्लॉग्स के चैनल पे। तो आज है सोमवार का दिन। सब लोग बोलते हैं एक लोटा जल शंकर भगवान का जल चढ़ाओ तो सारे दुखों का निवारण हो जाता है। एक लोटा जल दो दो अरे दो चन दो चावल दो चावल तो मैं नहीं ली हूँ, तो दो दाना चावल। आरो मेरे साथ चल रहा है शंकर भगवान के मंदिर, ऐसे आर्यन ज्यादा था जल चढ़ाने। एक लोटा पानी दो। आज सोमवार है तो मैं भी जा रही हूँ जल चढ़ाने। सुबह ही उठ गई थी आर्यन। लोटा जल और जो और ना मंत्री मान लो कि वो पूरा हो जाएगा, उसमें सुना था मैं। और आज है 14 नवंबर, आप लोग को हैप्पी चिल्ड्रेन डे। मैं चलती हूँ मंदिर और वेट करती हूँ, पूजा करती हूँ और भोलेनाथ की एक लोटा जल का पूरा निवारण कर देंगे ना। कौन प्रदीप श्री प्रदीप मिश्रा, उनका प्रवचन सब लोग सुन सुन के गांव में भी बहुत प्रचलन हो गया है उनका। तो आप लोग जुड़े रहिए, हम लोग चलते हैं। मैंने भी मम्मी आ चुकी है, जा रही है मंदिर में। मैं तो नहीं जाऊँगा, जा रही है अभी घर से चल ले रहे जाएंगे अभी घर से चल ले रहे ये तो हम बाद में होंगे। मैं मंदिर से आ गई, इधर देखिए घर पे पहले पूजा करके गई थी तब मंदिर। मंदिर से आते ही मैं नहा रही थी, पानी चला गया था, आते ही तुरंत गई कपड़ा धो दी थी, लेकिन उसको पानी चला गया फरियाए, पानी में अच्छे साफ नहीं किए थे, इसको डाल के निकाल। बहुत गर्मी लग रही है मंदिर से आते ही, सब जगह ठंडी स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी मुंबई में काफ़ी गर्मी लग रही है। चल के आओ तो गर्मी लगती है। अब मैं जा रही आर्यन को सुबह टिफिन तैयार की थी और आटा वैसे रख दी थी ढक के, अभी जा रही हूँ आरो के लिए नाश्ता बनाने। फिर इसके बाद क्या खाना बनेगा वो तो बाद की बात है, नाश्ता खाना डेली का रहता है। तो आज भोलेनाथ का मैं जल चढ़ाया, आर्यन जा रहा था लेकिन कभी वीडियो शूट नहीं किया। आज मैं सोमवार का दिन था, अगले सोमवार को बगल में एक भाभी रहती हैं, सोमवार को फास्ट रखती हैं। मैं उनसे बोली, मैं बोली चलेंगी तो मैं आपके साथ चलूँगी, लेकिन वो अपने हस्बैंड के साथ जाती हैं, तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अगले सोमवार को मैं गई नहीं। तो आज मैं बोली कि चलो सुबह आर्यन का स्कूल था, उठी थी, सारा काम भी हो गया था, तो बोले चले भोलेनाथ को जल चढ़ा के आ जाए। गाइस देखिए मंदिर से आने के बाद मैंने आरो के लिए देखिए इधर गर्मा गर्म पूरी छान ली हूँ, चाय बन गया है। सोच रही थोड़ा सा नली भी छान लेती हूँ क्योंकि कढ़ाई में तेल है और ये इसका टिफिन भी हो जाएगा। नली किधर है, हटो देखना, देखने दो, देखिए गर्मा गर्म पूरी है, कैसा देख क्लीन दे रही है। हाँ। फ्रंट कैमरा कर दो, फ्रंट कैमरा करो, चुनाव बहुत हुआ निकल रहा है। अभी नली भी छानने लगी है, डाली तुरंत फूल आता है वो। तेल गरम
गरम ये रहेगा तो फूलेगा ही ना। देखिए अभी हम नहीं तुम हाथ मत डालो इसमें, अभी खेल के चलो ठीक है, जाओ तुम करो मच्छर छान के और नाश्ता लेके आओ। फैमिली को दिखा दो कैसा है थे? देखिए से डाली। तो गाइस नाश्ता पानी हो गया है, आरो भी मेरा नहा लिया है, मेरा बच्चा ना आज है चिल्ड्रन डे, आपको विश करते हैं हैप्पी चिल्ड्रन डे। थैंक यू अम्मा, है बोलो ना थैंक यू। अरे बच्चे को इतना वो नहीं है, थोड़ा सिखाना पड़ता है। तो अभी मैं किट्टू का वीडियो देख रही थी, जब एक बहन रोती है तो देख के रोना आ जाता है। किट्टू ने वीडियो बनाया, बहुत अच्छा किया, क्योंकि काफ़ी हद तक किट्टू से रिलेटेड ऐसी सच्चाई जो है कि किट्टू आज जब बना रहे थे कि जैसे कि अमीर जी ने सबको ऐसे किया, तब आज जाके सब लोग सही बात है, बगैर सपोर्ट और बगैर किसी चीज़ से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। फिर बुखार चढ़ रहा है, दवा दे रही हूँ। तो आप लोग को मैं बता देना चाहती हूँ कि जैसे अमित जी ने सबको दिल्ली में बसाया, चाहे कुछ कोई भी कंडीशन होगा, चाहे कोई भी सिचुएशन होगा, लेकिन बिगर सपोर्ट से कोई आगे नहीं बढ़ता है। तो वैसे ही मेरे पति देव थे आर्यन के पापा, आज जो भी यहाँ है उन्हीं की बदौलत है। भले इंसान अपने पैर पे खड़ा हो जाता है, लेकिन पहला चरण उन्होंने अपने पास सबको रखा, फिर जाके सब लोग आज अपने पैर पे खड़े हुए हैं। बोलते हैं ना कि इंसान के दिन बदल जाते हैं, लेकिन किसी का एहसान रहता है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। लेकिन जब इंसान अपने पैर पे हो जाता है तो जो एहसान रहता है जी वो मदद करते हैं वो चीज़ भूल जाते हैं। लेकिन मैं जानती हूँ कि मेरे पति ने सबके लिए क्या किया है। लोग बोलते हैं ऐसे किए वैसे किए, तो आज सबकी बदौलत ही ऐसे किए हैं, आज सबको सपोर्ट दिए, चाहे कुछ भी उनके पास हो। बहुत रसीदा सब लोग बोलते हैं, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, सबको सुनने मिलता है, सबके परिवार में ऐसा होता है। चाहे माइनस में थे चाहे प्लस में थे मेरे पति, लेकिन आज सबके सपोर्ट के वजह से ही थे। आज अगर से केवल अपने परिवार को लेकर रहते, अपनी बीवी को लेकर रहते, अपने बच्चों के बारे में सोचते, तो आज ऐसा सिचुएशन नहीं आता, ऐसा कुछ भी कंडीशन नहीं आता। आज हम लोग के पास भी बहुत कुछ रहता, लेकिन मेरे पति ने सबके बारे में सोचा था, अपने बीवी बच्चों के बारे में कभी नहीं सोचा। तो आज वो जहाँ हैं चले गए, लेकिन उनके आशीर्वाद से ही आज हम लोग जी खा रहे हैं। उनका आशीर्वाद चाहे किसी भी कंडीशन में है, चाहे कोई सपोर्ट कर रहा है, चाहे जैसे भी हैं जिस कंडीशन में ही हैं, उनका आशीर्वाद है तभी हम लोग ये आज हैं, नहीं तो आज हम लोग भी कहीं दर दर का भटक रहे होते। कहते हैं भगवान ने जब एक रास्ता छीन लेता है तो हजारे रास्ते खोल देते हैं, तो वो हजार रास्ता में मेरे लिए भी एक रास्ता भगवान चुने होंगे, तो उस रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं, अपना जी रहे हैं, अपने बच्चों को खिला रहे हैं, जिला रहे हैं, जिस कंडीशन में है। बस पति और ऊपर वाले का दिन है कि उनके आशीर्वाद से हम लोग चल रहे हैं। और कुछ मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। आज मंदिर गई, आप लोगों को कैसा लगा? भोलेनाथ का दर्शन करके आई, आज सबकी ज़िंदगी में भगवान खुशियाँ लाए, बाद में मेरे लाए। उसके बाद हम तो यही कहते हैं कि सब खुश रहें, फिर बाद में हमको खुश रख के चलेगा। तो हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके जाइएगा कि आज मैं गई थी दर्शन करने कैसा लगा। आरो गर्म पानी पी रहा है, जाने इसको दवा पीने देने, फिर से हल्का हल्का फीवर चढ़ रहा है। बाय बाय, टेक केयर।